अंदर नहीं आए डायरेक्टली, और विंडो जो उसमें लगी होती है लकड़ी तो वो गीली नहीं हो, खराब नहीं हो, इसलिए उसको ऊपर छज्जा बना होता है, उसको कहते हैं कार्निस, यानी उस छज्जे को कहते हैं कार्निस। उस कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। अब वो क्या हमेशा उन चिड़ा और चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। और ऐसा जब कभी होता है ना आपके घर में भी, अगर कोई चिड़िया ऐसे अंडे देती है तो आप लोग क्या करते हो? आपको भी क्रेज होता है, सुबह हो चाहे शाम हो आपको वो देखना ही होता है। मम्मी ने चाहे कितना ही फेवरेट नाश्ता बनाया हो पर आपको उससे भी ज्यादा क्या होता है, देखने की लालसा होती है उस पक्षी को। ऐसा ही कुछ इन बच्चों के साथ था कि वो दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। आंख मलते यानी सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना तो पूरी तरह से हमारी नींद नहीं खुलती होती, तो हम आंखों को यू यू करते, तो वो ऐसे करते हुए वहां जाते और वहां पर क्या देखते थे कि चिड़ा और चिड़िया दोनों बैठे हुए। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी, यानी उनको अच्छा लगता था, मजे आते थे उनको देखने में। तो जो मम्मी सुबह सुबह रास्ते में दूध जलेबी देती थी ना, उनकी भी सुध, सुध मतलब उनका भी ध्यान उनको नहीं रहता था, वो सीधे कहाँ पहुंचते थे, चिड़ा और चिड़िया को देखने के लिए। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, अंडे कितने बड़े होंगे, अब वो क्या सोचते थे वो देख के कि जो ये चिड़ा चिड़िया है उनके अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे। आप भी तो ऐसे पूछते हो ना, मम्मी से भी पूछते हो, पापा से भी पूछते हो, अगर कोई घोंसला चिड़िया बना लेती है घर में और अंडे उसमें रख देती है तो आपके मन में भी तो आता है ना कि अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, बच्चे कब निकलेंगे, इस तरह के सवाल। ऐसे ही उन बच्चों के मन में भी इस तरह के सवाल आया करते थे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, नहीं तो अम्मा को अपने घर के काम काम से, मम्मी भी तो कहती थी चलो जाओ यहाँ से मेरे पास वक्त नहीं है मैं ये काम करूँ, ऐसे ही उनकी अम्मा के पास भी वक्त नहीं था उनके इन फालतू सवालों का। और जो बाबूजी थे वो तो अपने ही पढ़ने लिखने के काम में व्यस्त रहते थे, काम धंधों से फुर्सत फुर्सत यानी उनको समय नहीं था ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आ
लग रही होगी, तो वो तो भूख के मारे तड़प ही रहे होंगे। आखिर में दोनों ने मिलकर देखो क्या फैसला लिया। अब वो तो सुरक्षा कर रहे थे उनकी, तो उन्होंने फैसला लिया कि घोंसले के ऊपर सबसे पहले कपड़े की छत बना देनी चाहिए, जिससे कि जो धूप आ रही है उस धूप को रोका जा सके, यानी उनके ऊपर छाया की जा सके, जिससे वो कम से कम धूप से तो तड़प के नहीं मरे, ऐसा उन्होंने सोचा। और उसके बाद प्याली में थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत यानी मंजूर हो गया, यानी चावल का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया कि थोड़े से चावल प्याली में रख देंगे, जिससे उनकी जो खाने की समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब दोनों बच्चे तो बड़े खुशी के मारे, चाव मतलब खुशी के मारे और प्यार से, मतलब अपना सब कुछ भूल गए और वो उनकी सुरक्षा के लिए सारे काम करने लगे, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से क्या कर रहे थे, उन बच्चों की सुरक्षा कर रहे थे, चिड़िया के बच्चों की, और उन्हें नहीं पता था कि इसका परिणाम कुछ और होने वाला है, क्योंकि वो तो भोले थे, उन्हें पता ही नहीं था कि जो वो काम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होने वाला है। इसको हम आगे पढ़ते हैं, हमको पता चलेगा। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। ये मटके आजकल तो हम डब्बों में रखते हैं, चावल दाल वगैरह, पहले क्या होता था कि है ना मटके ही हुआ करते थे, उनके अंदर ही स्टोर करके सारी चीजें रखी जाती थी। तो माता जी के मटके में से, जो अम्मा थी उनके मटके में से, जो श्यामा थी वो क्या निकाल के आई, चुपके से चावल, क्योंकि अगर सामने लाती तो क्या पड़ती, डांट पड़ने का डर था, इसलिए वो चुपचाप क्या निकाल लाई, आंख बचाकर यानी चुपचाप मटके से चावल निकाल लाए। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। और केशव ने क्या करा, मम्मी लोग नहीं होते छोटी प्याली में तेल रखते हैं फिर आपके वो तेल लगाते हैं, ऐसे उनकी अम्मा का तेल रखा हुआ था उस प्याली में, वो तेल चुपके से कहाँ गिरा दिया, जमीन पे, और वो प्याली खूब धोई गई, साफ की गई और उसको काय के लिए तैयार किया गया, पानी के लिए तैयार किया गया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, ये भी बड़ी समस्या थी भाई कि जो छाया की जाएगी, आप शादी वगैरह होती है तो हमारे यहाँ वो ऊपर टेंट जो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, चांदनी कहते हैं उसको, जिससे छाया की जाती है जिस कपड़े से उस समय, उसको चांदनी कहते हैं। तो वही चांदनी शब्द यहाँ पर है कि वो अब ऊपर चांदनी लगाने के लिए कपड़ा कहाँ से आएगा, तो और उसको खड़ा कैसे करेंगे, फिर ऊपर वगैरह छड़ियों से कपड़ा ठहरे कैसे और छड़िया खड़ी होंगी कैसे, यानी चलो छड़ियों से खड़ा कर देंगे, लेकिन छड़ियों को कैसे खड़ा करेंगे उस चांदनी को टांगने के लिए, ये भी एक सवाल था नया। तो अब इस समस्या का देखो समाधान उन लोगों ने किस तरह किया। केशव बड़ी तरह तक इसी उदरपुर में रहा, आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। उदरपुर यानी नहीं होता, हम सोचते रहते ऐसा करूं कि ऐसा नहीं करूं, ये करूं ये नहीं करूं, वो इसी उदरपुर में लगे रहते थे। श्यामा से बोला, अब केशव जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना, यानी क्या लानी है टोकरी, चुपके से लेके आनी है, अम्मा जी को पता नहीं चलना चाहिए कि अम्मा जी की टोकरी भी गायब हो। पहले क्या गायब हुआ, मटके में से चावल, अब वो तेल वाली प्याली, अब किसका नंबर था, अम्मा जी की कूड़े वाली टोकरी भी गायब हो गई, यानी अम्मा जी की धीरे धीरे चीजें गायब हो गई थी। अब श्यामा क्या बोली, ये तो बीच में से फटी है, उसमें से धूप न जाएगी। अब केशव क्या झुंझला गया, क्योंकि बहुत सारा हो गया था ना, बहुत सारा जब काम हो जाता है और आपसे कोई, जब आप काम में व्यस्त होते हो और आपको बहुत सारा कुछ सोचना होता है, कुछ करना होता है, और बीच में आके कोई सवाल पूछ ले, फिर क्या होता है, आप झुंझला जाते हो। ऐसे ही केशव भी झुंझला गया जब उसने सवाल पूछा श्यामा ने, तो उसने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं इसका सुराग बंद करने की
रख दिए आराम से कि अब इनको तिनके चुभेंगे नहीं। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। कैसा दिखा दूंगा, पहले जरा ये टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, आप मतलब उसने टहनी टिकाई, उसके ऊपर टोकरी टिका दी जिससे कि धूप उनके ऊपर नहीं आए। फिर वो सामने से बोला, देखो क्या बोला, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। यानी लिया, मैं दाना और वो पानी की प्याली रख दूं, उसके बाद मैं नीचे उतरूंगा, फिर तुझे वो अंडे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई, केशव ने टोकरी के दो नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर, कहते नहीं ऐसे किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, याचना करनी होती तो हम बोलते अरे प्लीज मेरा ये काम कर दो ना, मुझे भी ऐसा करवा दो ना, ऐसे ही गिड़गिड़ाकर श्यामा ने कहा कि भैया हमको भी चढ़ा दो ना। केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, मैं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, मैं भैया कहीं तुम गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, चटनी ही मतलब मार पड़ेगी बहुत। अगर तू गिर गई, कहीं तेरा सर्वर फूट गया, तुझे लग गई, तो अम्मा जी तो मुझे नहीं छोड़ेंगी, मार मार के मेरी तो क्या बना देंगी, चटनी ही बना डालेंगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अड्डे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको हम लोग मिलकर पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से ये चिड़िया आ नहीं रही है और बैठ नहीं रही है। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहीं पर रख दी। दोनों ने मिलकर चुपचाप ये सारा काम कर दिया और अब वो दूर होना हो गए, क्योंकि वो उन्होंने सोचा कि ये चिड़िया जो है आती है और बार बार उड़ जाती है, ये इसलिए उड़ रही है क्योंकि ये हमसे दोनों से डर रही है। इसलिए उन लोगों ने चुपचाप स्टूल को वहां से हटा दिया और श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। वो मतलब दुखी हो गई क्योंकि वो भी देखना चाहती थी, कब से कह रही थी मैं भी अंडे देखूंगी, मैं भी अंडे देखूंगी, लेकिन उसके भाई ने केशव ने वो अंडे उसको नहीं दिखाए, तो उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू भर आए और वो बोली कि मैं तुम्हारी शिकायत अम्मा से कर दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा तुझको, अगर बोली तो अम्मा जी से कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो चार सरना हो जाते, गिर जाती तो चार सरने, ऐसे बोलते नहीं है, गिर जाएगी तो चार टुकड़े हो जाएंगे या चार सर हो जाएंगे, मतलब तेरे चोट लग जाती। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख ला मैं कह ही दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला, माने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा नहीं था कि दोपहर को नहीं निकलना, किसने किवाड़ खोला। अब माँ निकल आई, माँ ने सीधे डांटना शुरू किया, कितनी दोपहर को बाहर क्या कर रहे हो तुम लोग, मैंने बोला था तुमको कि किवाड़ नहीं खोला और बाहर नहीं निकलना, किवाड़ केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, यानी भाई के लिए प्रेम उमड़ आया दिल में, उसको ऐसा लगा अगर मैं बोल दूंगी तो भाई की तो मारी पड़ जाएगी। केशव ने कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, अंडे ने दिखाए थे उसने उसे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था, अब उसे श्यामा पर विश्वास नहीं रहा क्योंकि उसने उसको अंडे भी दिखाए, पहले बोलता दिखा दूंगा बाद में दिखाए नहीं, तो वो भी डरा हुआ था कहीं
चूजे बनने थे, चूजे बनने से पहले ही वो अंडे टूट गए और वो चूने जैसा पानी फैल गया, उसका चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई यानी डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केसर ने करुण यानी दया भाव से कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केसर, तेरे सर में, गुस्से में वो बोला, तेरे सर में, देखती नहीं अंडों में से उजला उजला यानी ये थोड़ा सा सफेद सफेद पानी निकल आया है, वही तो दो चार दिन में बच्चे बनने वाले थे, यानी ये जो पानी निकला उजला उजला इससे दो चार दिनों में बच्चे बन जाते। अब कैसे बनेंगे? माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, सोटी यानी ये जो मेरे हाथ में है ना, यही है सोटी। तो ऐसी ही सोटी अम्मा ने लिए हुए पूछा, तुम दोनों माँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, क्योंकि अम्मा को तो पता था कि अंडे, वो तो बड़ी थी समझदार थी, तो उन्हें तो पता था कि जरूर अंडे छुए होंगे, तभी अंडे चिड़िया ने गिरा दिए और ये टूट गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि जरूर तुमने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस तरस यानी दया नहीं आई, क्योंकि गुस्सा आया उसे कि यह ना जरूर भैया ने ही अंडों को इस तरह से रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि भैया की गलती से ही अंडे टूटे, बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केसर से पूछा, क्यों रे? केसर भीगी बिली यानी डरा हुआ खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? अम्मा ने पूछा, भाई इतनी ऊपर अंडे रखे हुए हैं, वहां तक तू पहुंचा कैसे? देखो दोनों बच्चे वहां से बातें कर रहे हैं, तो माँ को तो पता चल गया, भाई तो इतनी ऊंचाई पे रखे हुए थे अंडे, फिर वहां तक पहुंच कैसे गए? तो माँ ने क्या सवाल किया उनसे कि वहां तक तुम लोग पहुंचे कैसे, यानी केशव को उसने कहा कि तू वहां तक पहुंचा कैसे इतनी ऊपर तक? श्यामा, अब श्यामा ने कहा माँ को, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल था मैं नहीं खड़ी थी? अब केशव ने कहा कि तू भी तो स्टूल था मैं खड़ी थी, मैं चढ़ा था तो। माँ, तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती यानी उनके ऊपर नहीं बैठती, चिड़िया जब उनके ऊपर बैठती है तो उनको हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, जिससे वो जो पानी निकला था उसका उससे क्या बन जाते हैं, चूजे बन जाते हैं और फिर वो